हेलो फ्रेंड्स, मैं तन्मय सात्रा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बनाने वाले केक, वो भी मेरे बर्थडे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चॉकलेट वनीला केक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट में हमने लिया है 500 ग्राम मैदा, 1 कप अमूल फ्रेश क्रीम तकरीबन 250 ml, 1 कप दही, 1 कप चीनी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस और 1 कप रिफाइन ऑयल। और हमने यहाँ पे लिया है ग्रेट किया हुआ डार्क चॉकलेट और हमने यहाँ पे लिया है 1/2 कप मिल्क। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें सबसे पहले 1 कप दही डालेंगे। अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे और 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको 5 मिनट के लिए ब्रेक दे देंगे। अब हम केक को बेक करेंगे। तो सबसे पहले गैस में एक रखेंगे कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे नमक को। नमक डालने के बाद अब हम इसमें रखेंगे एक स्टैंड और इसको हम ढक के हाई फ्लेम में 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम एक केक टिन लेंगे और इसको हम ऑयल से ब्रशिंग कर लेंगे। अब हम इसमें एक बटर पेपर लेंगे और इसको प्लेस कर देंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब हम इसको मैदे से डस्टिंग कर देंगे। पांच मिनट रेस्ट के बाद अब हम एक छन्नी लेंगे और मैदा को छान के डाल देंगे। अब हम मैदे को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम बैटर में थोड़ा दूध डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा केक का बैटर अब रेडी हो चुका है। अब हम बैटर को केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। केक को अच्छे से ट्रांसफर करने के बाद अब हम इसको टैप करेंगे जिससे जो बबल हो वो निकल जाए। अब हम केक टिन को कढ़ाई में रख देंगे। अब हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। फ्लेम को हम
बिल्कुल लो पे कर देंगे और 30 मिनट के लिए हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा केक बन रहा है, अब हम केक फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको साइड में निकाल लेंगे। अब हम व्हिप क्रीम को थोड़ा गर्म होने के लिए रख देंगे। अब आप मेल्टेड चॉकलेट में थोड़ा थोड़ा करके व्हिप क्रीम डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों, 40 मिनट के बाद अब हम केक को चेक करेंगे। एक टूथपिक लेंगे और केक के अंदर डालेंगे और देखिए हमारा टूथपिक एकदम क्लियर आया है। अब हम केक को निकाल देंगे। अब हम एक नाइफ लेंगे और केक को डीमोल्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक इजीली निकल के आ चुका है। इसका बटर पेपर हम निकाल देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद अब हम इसका टॉप लेयर अच्छे से निकाल देंगे। और केक को हम 2 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। केक को अच्छे से काट लेने के बाद अब हम इसमें चॉकलेट क्रीम ऐड करेंगे। अब हम क्रीम को अच्छे से केक में स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर टॉप लेयर का केक लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर भी चॉकलेट क्रीम अप्लाई करेंगे। अब हम इस लेयर को भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम केक के साइड्स में भी चॉकलेट क्रीम अप्लाई करेंगे। अब हम केक को 3 से 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। 2 घंटे के बाद अब हम केक को डेकोरेशन करेंगे। अब हम एक टिश्यू पेपर लेंगे और टिश्यू पेपर लेके चॉकलेट को अच्छे से साफ कर देंगे। अब हम इसमें चॉकलेट बॉल डालेंगे। अब हम ऊपर से कलरिंग कैम्स लगा देंगे।
तो लीजिए मेरा केक अब रेडी हो चुका है। तो लीजिए फ्रेंड्स मेरा बर्थडे केक अब रेडी हो चुका है। आप भी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।